ये घंटे कैसे बज रहे हैं? शाही दरवाजे पे एक जंजीर लटक रही है। बादशाह सलामत का ये इंतजाम है कि बादशाहत में जब किसी पर कोई जुल्म होए तो उस जंजीर को खींच के घंटा बजा दे। बादशाह सलामत झट आटे के छिड्डे पर आ जावे हैं और फरियाद सुनकर जरा में फैसला कर देवे हैं। तो बड़ा अच्छा इंतजाम तो ऐसा है कि शेर बकरी एक घाट पानी पीवे हैं, कभी कभार एक घंटे के बजने की नौबत आवे है। आलम सना ने अभी फरियाद नहीं सुनी, शायद कोई उन्हें बहुत देर से पुकार रहा है। बहुत मसरूफ होंगे आलम सना। कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, उन्हें फरियादी के सामने अब तक पहुंच जाना चाहिए था। बा अदब बा मुलाहजा होशियार, बा अदब बा मुलाहजा होशियार, बा अदब बा मुलाहजा होशियार। शहंशाह शाहा खिसरवे दौरा आली मरातब आली जाहा, मरकज इनायत खुदावंदी जहाँ बानियो आलम पनाही। सल्लल्लाहु खुल्दल्लाहु मुल्कहू सुल्तान मुकर्रम जहांगीर आजम की बाबरकत सवारी तशरीफ लाती है। वा अदब बा मुलाहजा होशियार, वा अदब बा मुलाहजा होशियार, वा अदब बा मुलाहजा होशियार। किसने पुकारा हमें? जहां पना किसने जुल्म किया तुम पर? तुमने माँ बदौलत की रियाया के चैन पर हाथ डाला, तुमने हमारी हुकूमत की साख पर चोट की, तुमने एक इंसान का खून किया। तुम गर्दन मार देने के लायक हो। जो इंसान अखलाक के दायरे से निकल जाए उसे दुनिया की हद से भी बाहर निकल जाना चाहिए। हमारे लिए हमारे इंसाफ ने सजाए मौत तजवीज की। शहंशाह रहम। तुम मुजरिम हो, तुम्हें सजा के जवाब और कुछ नहीं मिल सकता। आलीजा मेरे बाद? तुम्हारे बाद तुम्हारा अंजाम दुनिया के लिए सबक बनकर रहेगा। ये मेरे मासूम बच्चे? इनकी परवरिश शाही यतीम खाने में होगी। इन्हें एक मुजरिम बाप के साए में नहीं जीना चाहिए। जहाँ पना एक कनीज बेवाह हुई जा रही है, मेरे सुहाग ने क्या खता की है, उसे क्यों सजा मिल रही है? कोई खता नहीं की, लेकिन मल्लाह की गलती नाव के सारे मुसाफिरों को ले डूबती है। जान के बदले जान, यही जहांगीर का इंसाफ है। शामिल हो। वादा पा मुलाहजा होशियार, वादा पा मुलाहजा होशियार, वादा पा मुलाहजा होशियार। अलिया खान। मान सिंह, नवाज़िश अली खां, बलवंत सिंह, रसूल खां, खुदादाद खां, खबरदार, ये सिपाहियों का खेल है। कामयाबों को नाकामों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मंगल सिंह,
मंगल सिंह। मंगल सिंह क्यों नहीं आते? तीरंदाजी क्या उन्होंने छोड़ दी? जी छोड़ दी। क्यों? उन्होंने तीर मारने के बदले तीर खाने शुरू कर दिए हैं, और जो लोग तीर खा चुके हैं वो फिर तीर मार नहीं सकते। क्या मतलब? तुम भी कैसे फजूल हो जी, इतनी सी बात का भी मतलब नहीं समझते? अरे भाई, एक ही साथ कोई शख्स दो रास्तों पर नहीं चल सकता, और ना एक ही वक्त में कोई आशिक होते हुए सिपाही हो सकता है। मंगल सिंह आशिक हो चुके हैं, अब वो सिपाही नहीं रहे। अरे भाई किस्सा क्या है, हम भी तो सुने आखिर। बहुत सी औरतें सिपाहियों से भी अच्छा तीर चलाना जानती हैं, और उन अच्छा तीर चलाने वाली औरतों में से ठाकुर उदय सिंह की लड़की की भी गिनती है। ऐसा हुआ कि मंगल सिंह उसके निशाने की इज्जत में आ गया। खामोश, किसी शरीफ लड़की को रुसवा करते तुम्हें शर्म नहीं आती? उस बात को जिसे दुनिया जानती है दोहरा देने में क्या हर्ज है। तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि जो कुछ दुनिया जानती है सही जानती है। और उस वक्त तक तुम उस भाई की तलवार के नीचे से नहीं निकल सकते जिसकी बहन का तुमने अपमान किया है। मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। ठीक बात के कह देने को अपमान नहीं कहते। और अगर ठीक न हुई? ठीक होके रहेगी, मैं साबित करके रहूंगा। जगत, अब भी सोच के बोलो, एक लड़की की लाज में कितना वजन होता है ये शायद तुम नहीं जानते। ये मैं जानता हूँ, और ये तुम भी जान लो कि तुम्हारी बहन की लाज जितनी वजनी है उतनी ही मेरी बाप भी। मैं तुम्हारी तलवार के सामने से उस वक्त तक हटने के लिए तैयार नहीं हूँ जब तक कि तुम्हें मेरी बाप का वजन मालूम न हो जाए। जाओ अपनी बहन के गरीबान में पड़ी हुई जंजीर को जाकर खींच देखो। Yeah.
समझे, क्या समझे समझाओ, सब जग ये अब तुम ये दादा। तुम हो, मैं समझी कोई और है। अगर मेरी चीख निकल जाती और उसे सुनकर कोई आ जाता तो क्या होता? ये के तुम पिटती। और तुम क्या पिटने से रह जाते? तुम्हारी तो इतनी मरम्मत होती कि इधर का रास्ता चलना भूल जाते। चाहत इंसान को चिकना घड़ा बना देती है, जब ही तो हम सर से कफन बांध कर यहाँ आते हैं। तो तुम्हारा कहना ये है कि तुम्हारी शामत तुम्हें यहाँ खेच कर लाती है। ठीक है, ये कहावत हमने भी सुनी है कि गीधड़ की शामत उसे शहर की तरफ और मर्द की शामत उसे किसी न किसी घर की तरफ घसीटा करती है। ये बात तुम कुंवर यूं ही हंसी में टाल दिया करती हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है क्या हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हमारी चाहत का भेद कब तक छुपा रहेगा? तुम ही कहो। तुम जानती हो कुंवर कि तुम्हारे और मेरे पिताजी में कैसी गंभीर दुश्मनी है, और उन दोनों की दुश्मनी हमें कभी एक डोर में नहीं बंधने देगी। वाह, नहीं कैसे बनने देगी? वो अगर दुश्मनी करते हैं तो करें। तुम मुझे अपनी दासी बनाना चाहते हो, बना लो। वो ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? हम जब उनकी दुश्मनी के बीच में नहीं अड़ते तो उन्हें हमारे चाहत के बीच में अड़ने का क्या अधिकार है? ये ठीक है कुंवर, लेकिन तुम जो कुछ समझती हो वो उसे नहीं समझते। नहीं समझते तो उन्हें समझाना चाहिए। ठीक, सबसे पहले तुम अपने पिताजी को इस बात पर राजी कर लो कि वो मेरे पिताजी को जाकर समझाए। तुम ही ना भेज दो अपने पिताजी को मेरे पिताजी के पास। आया आया खानदानी जोश आया। बेशक, मेरे पिता क्यों तुम्हारे पिता के पास जाने लगे? क्या तुम्हारे पिता की नाक ज्यादा लंबी है? अच्छा तो पहले दोनों की नाके ही नाप देखें। ये फिर कभी सोचेंगे कि हमारी चाहत का क्या अंजाम निकलेगा। रूठ गए? रूठो मत, क्षमा कर दो हमें। हमें डर किस बात का है मंगल? हम दुनिया से कोई निराली बात तो नहीं कर रहे हैं। क्या हमारे माँ बाप ने कभी प्रीत नहीं की होगी? ये दुनिया भर के माँ बाप बनकर भूल जाते हैं कि वो भी कभी किसी की औलाद थे और वो भी कभी इंसान थे। और जब इंसान थे तो उन्होंने भी किसी से प्रीत की होगी। वो ये क्यों नहीं सोचते कि उन्हीं की तरह उनके बच्चे भी प्रीत करते होंगे? ये सब के सब अपने औलाद को प्रीत करने से क्यों रोकते हैं? ये एक रिवाज है, जैसे सुहाग के वक्त हाथों में मेहंदी रचाने का, हम भी इसी तरह करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं अपना बाप होती, तुम अपने बाप होते, और हमारे बाप हम दोनों की जगह होते तो हम दोनों तो अपनी दुश्मनी को बीच में डाले बिना उन दोनों का ब्याह जरूर कर देते। और बड़ी धूम से। भैया आ गए। अंजीत आ गए। मंगल, फिर कब? कल इसी वक्त, लेकिन इसे तो छुपा लो, अगर किसी ने देख लिया तो खून की नदियां बह जाएगी। इसे तो कोई नहीं देख सकता, ये तो मेरे मन के नजदीक रहती है। यहाँ अब कैसे देखेगा कोई? आए भैया आए। मंगल, कल इसी वक्त। यहाँ क्यों आई थी? उस गिलेरी के पीछे पीछे भागती यहाँ आ गई। गिलेरी के पीछे भागने का मुझे बहुत शौक है भैया, ये शौक जाने तुम्हें क्यों नहीं?
कुंवर, 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 क्या है, क्या हुआ, कहाँ जा रही है, रोको इसे। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको पिताजी, मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। किसे बचाने जा रही है? मुझे जाने दो पिताजी, भैया उनसे लड़ने गए हैं। किससे? मंगल सिंह से। मंगल सिंह से? उससे लड़ने क्यों गया है? उन्हीं से लड़ने गए हैं, वो यहाँ आए थे, वो मेरे पास आए थे, वो मुझसे मिलने आए थे, वो मुझसे मिलने आया करते हैं। ये क्या कह रही है तू कुंवर? मुझे छोड़ दो पिताजी, वो दोनों लड़ मरेंगे, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, मैंने अपने आप को उनके हाथों बेच दिया है। कुंवर, हमारे मुंह पर बड़े जोर से तमाचा मारा तूने, हमारी नाक तूने नाली में रगड़ दिया है, हमारी कुत्ती झुकाकर तूने उस पर पांव रख दिया। पिताजी, पिताजी, क्या मतलब? खड़े रहो, मैं अपना मतलब समझा दूं। मुझे पहचानते हो? मैं रंजीत हूँ, वो हूँ मैं जिसकी गैरत पर तुमने घूंसा मारा है, जिसके सारे घराने की इज्जत पर बारूद डालकर तुमने चिंगारी पे की है। क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ तुमसे बताओ? तुम्हारे मुंह पर जूता मारना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मुंह पर थूक दूं। मुझे तुम्हारी जुबान न खींचनी पड़ जाए रंजीत, कहीं मेरा हाथ न उठ जाए तुम पर। मेरे हाथ का उठ जाना अच्छा नहीं है। मैं अच्छा बुरा सोचने नहीं आया हूँ, अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ, और वो मैं लेके छोड़ूंगा। बंद कर। मैं निर्दोष हूँ। अब मुझसे भी निपटते जाओ। जाओ ठाकुर, मैं बूढ़े से उलझना नहीं चाहता। क्या लगता है? दो दिन का छोकरा हमसे उलझना नहीं चाहता।
हुआ? क्या लड़ाई हो गई किसी से? हाँ। किससे? रंजीत सिंह और उदय सिंह से भी। क्यों हो गई? हो गई, होनी जो थी। बात क्या हुई? कुछ भी नहीं, उनका जी चाहा के मुझसे लड़े, लड़पड़े। फिर उनकी मेरी लड़ाई निपट गई। तुमने उन्हें कत्ल कर दिया? हाँ, मैंने उन्हें कत्ल कर दिया, या यूं समझ लो कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। माता, मैं खूनी नहीं हूँ। रणवीर, हरवन, कहाँ गए तब? अपने पिताजी से जाकर सारी बातें कह दो, वो कानून को समझा लेंगे। वो मेरा कहा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? वो तुम्हारे बाप हैं। क्या बात है? छोटे ठाकुर ने क्या किया? क्या किया छोटे ठाकुर ने? जयसिंह, क्या है, क्या बात है? एक बात है, वही बात मैं तुमसे कहने जा रही थी। क्या बात? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तो फिर तुम मुझसे कहने क्या जा रही थी? बात यह है कि बात तो कोई नहीं, मामूली सी बात है। क्या बात है? मंगल ने क्या किया? मंगल ने कुछ भी तो नहीं किया, कहीं वो उदय सिंह और रंजीत सिंह से झगड़ा हो गया था, बात उन्होंने ही बढ़ाई थी और बात बढ़ गई। फिर? मंगल का उसमें कोई दोष नहीं था, उन्होंने खुद ही मौत को बुलाया और वो आ गई। लड़ाई का तो नतीजा बुरा होता ही है। मंगल कहाँ है? मंगल को पूछते हो, पर उसने जानकर खून नहीं किया, वो निर्दोष है, उसके जरा से भी तो खता नहीं है। उसने तो बहुतेरा चाहा कि लड़ाई ना हो, पर वो लड़ने की ही ठान कर आए थे। मंगल, इसका कोई कसूर नहीं। तुम चुप रहो। मैं तो चुप हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम खुद ही पूछ लो, इसका कोई कसूर नहीं है। मंगल जी, तुमने किसी को कत्ल किया है? इसने जानकर थोड़ा ही किया है, वही क्यों नहीं कह देते जो तुमने मुझसे कहा था? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तुम मत बोलो। लो, मैं नहीं बोलती, तुम इसी से पूछ लो, ये निर्दोष तो है ही। गोल तालाब वाली छोटी सड़क पर ये हुआ कि रंजीत मुझसे लड़ने के लिए आए। लड़ने के लिए गए थे, अब तक क्यों नहीं पलते? पलट आएंगी, क्या जाने समझौता ही हो गया हो। समझौता कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तब भी घबराने की बात नहीं है बीबी, दो मिलकर एक पर भारी पड़ते हैं। क्या हुआ बीबी? ऐसा मत कहो रतन, ऐसा मत कहो। कैसा बीबी? जैसा कहा तुमने, राम करे कहीं ऐसा न हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बीबी की आवाज ठिकाने नहीं। कहो रतन, मेरे मुंह में खाक, कहो। हाँ बीबी। कहा? अच्छा किया, तुम सुखी रहो, तुम्हारे सदके में मैं भी। घनी कमान दाता, खबर आई। कुछ नहीं, कोई खोज नहीं लगा। फिर क्या खबर लाए तुम? फिर क्या फायदा तुम्हारा? जब तुम ये खबर न ला सके कि फिर क्या हुआ? फिर ठाकुर उदय सिंह भी घायल हो गए। समझे, तुम खतावार नहीं हो। यही तो मैं इतनी देर से कह रही थी।
कानून तुम्हें मुजरिम नहीं मान सकता। और अगर कानून ने मुझे कातिल मान लिया? नहीं मान सकता, कानून के फैसले अंधे नहीं होते। लेकिन मेरी इस बात का कोई गवाह नहीं है। न हो, मुझे कानून पर एतबार है। सिपाही आ गए। आने दो। और मंगल? मंगल? मंगल निर्दोष है। पालागन ठाकुर। पालागन पधारिए। मैं कुछ मांगने आया हूं। कृपा। मिलेगा? आप क्या मांगने आए हैं? मैं तुम्हारे बेटे का सर मांगने आया हूं। मुझे मंगल का सर चाहिए। क्या? सर चाहिए मुझे तुम्हारे बेटे का, और उसे लेने के लिए मैं अपना सर हथेली पर रखकर यहाँ आया हूँ, और ये ठान के आया हूँ कि खाली हाथ पलटकर नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक राजपूत हूँ, तुम भी राजपूत हो। तुम जानते हो कि हम राजपूत सहने को पहाड़ की टक्कर भी सह सकते हैं, और न सहने को अपनी लाज पर आकर गिरने वाली एक कंकरी को भी नहीं सह सकते। उसने मेरे सर को नीचा करने की ठानी, जवाब में मैं उसका सर काट डालना चाहता हूँ। उसने मेरी नामूस पर धूल डाली है, उसने मेरी लाज का मुंह चढ़ाया है, उसने मेरी आबरू को गाली दी है, मैं उसका खून पीकर रहूंगा। जय सिंह। जी सरकार। आपके जख्मों पर बांधने के लिए पट्टियां ले आओ। मेरे जख्मों को पट्टियों की जरूरत नहीं है, इन्होंने जो उगला है हो सके तो इनमें वही उंडेल दो, खून उगला है इन्होंने। ठीक है, लेकिन मैं मंगल को आपके सुपुर्द करने के लिए तैयार नहीं। उसने अगर कोई जुर्म किया है तो देश के कानून को जाकर पुकारिए। झगड़ों को चुकाना कानून का हक है, आप कानून से उसके हक को नहीं छीन सकते। मैं बहस नहीं चाहता, मंगल ने मेरा बिगाड़ा है, मैं उसका बिगाड़ना चाहता हूँ। मुझे जो घाटा हुआ है मैं खुद ही उसकी कसर पूरी करूँ, तो इसमें राज को अर्जाने का क्या हक है? मुझे जो चाहिए उसे कानून हत्या ले, ये कौन सा कानून है? मैं ऐसे कानून को नहीं मानता। प्यास मुझे लगे, पानी तुम्हारे हलक में टपका आ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा, फिर मैं ऐसा क्यों होने दूं? ये सब सच कहा आपने, लेकिन मैं मजबूर हूं कि आपकी हर बात को मानने से इनकार कर दूं। आप हुकूमत से जाकर मांग लीजिए जो आपको चाहिए। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है, कानून को फैसला करने में देर लग जाएगी, और मैं ज्यादा देर तक नहीं जी सकता। मैं मंगल की खोपड़ी अपनी ठोकरों में लेकर मरना चाहता हूँ। मैं इस उम्मीद को लेकर मरना नहीं चाहता कि मंगल के सर को कुचल डाला जाएगा। ठाकुर, तुम मुझे कायर मत समझो, मैं भी एक सिपाही हूँ, राजपूत हूँ, मैं कानून के साथ हठधर्मी नहीं करूंगा। न्याय को पुकारने से पहले ही अगर तुम इस दुनिया से उठ गए तो मैं न्याय को पुकार कर उसे तुम्हारी दुहाई सुना दूंगा, फिर जो भी कानून मंगल के साथ चुकाए। मंगल में तुम्हारा खून है ठाकुर, मंगल की जिंदगी पर तुम्हारी पुश्तों के नाम खुदे हुए हैं, ये बात तुम भूल जाओगे? नहीं, पर जानते तो हो कि बहादुर अपनी बात से कभी नहीं फिरते, और मुझे अपनी बहादुरी पर विश्वास है। बेईमान, झूठा, थू, उसे भगा दिया, और हमसे कहता है मुझे कार मत समझो, मैं भी एक सिपाही हूँ, राजपूत हूँ, डूब मरो। वो और होते हैं जो अपने खून की बूंद को रेत में मिलाते हुए नहीं कांपते, जो अपनी खता पर अपना सर अपने हाथों काट डालते हैं, तुम उनमें से नहीं हो।
मंगल भगा दिया उसे? हाँ। नहीं, तुमने मंगल को भगा दिया, बुरा किया, बहुत बुरा किया। तुमने हमारे साथ गद्दारी की। शोभा, तुमने ये सोचा कि च्यूटी जो मंगल प्रेंग रही है कहीं वो उसके काट न ले। तुमने उस च्यूटी को कुचलने के लिए एक पहाड़ उठाकर मंगल पर पटक दिया। तुमने एक छोटे खतरे के सामने से घसीट कर उसे एक भयानक खतरे के आगे धकेल दिया। तुमने जरा सी भलाई के कारण बहुत बड़ी बुराई की, दुश्मनी की। तुमने भाले की नोक से एक फांस निकालनी चाही और भाला चुपते चुपते उसकी हड्डियों में अड़ गया, ये तुमने देखा ही नहीं। इतना तुमने सोचा ही नहीं कि आपलों को कुल्हाड़ियों से नहीं फोड़ा करते। तुमने मंगल के हक में कांटे बो दिए, कानून को उसका दुश्मन बना दिया तुमने। बेईमान, झूठा, झूठ, उसे भगा दिया और हमसे कहता है मुझे कायर मत समझो। मैं भी एक सिपाही हूं, राजपूत हूं, डूब मरो। तुमने एक तख्ती हमारे गले में लटका दी और उस पर लिख दिया एक नमक हराम नौकर, एक बुजदिल बाप। तुम शायद दुनिया में यही एक भारी काम करने आई थी, वो तुमने खत्म कर दिया। अब तुम्हें चाहिए कि तुम मर जाओ। हमने खून पानी एक करके अपने नाम के जो झंडे गाड़े थे वो तुमने उखाड़ फेंके। हमारी परसों की अच्छाइयां जो तुम पर उधार थी वो तुमने बेबाक कर दी। तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव
आ जाओ शहंशाह, अब आ भी जाओ, मेरा दम टूटा जा रहा है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस एक ही बात कहना है, मुझे तो एक ही आह खींचना है। बाद अब्बा मुलायजा होशियार, बाद अब्बा मुलायजा होशियार, किसने पुकारा हमें, हमें किसने पुकारा? फिर पुकारो फरियादी, हम आ गए। शहंशाह, ठाकुर उदय सिंह, खामोश फरियादी, हम देर करके पहुंचे, तुम हमारा इंतजार भी न कर सके? शाही हुक्म सादिर हो तो इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी जाए। नहीं, मजलूम ने हमें पुकारा था, हमारा दामन थाम के इसने फरियाद करनी चाहिए थी, हमारे दर पे आके इसने दम तोड़ा है, इसलिए इस पर जो जुल्म हुआ है उसकी तहकीकात हम ही करेंगे। रंजीत सिंह को हमारे हुजूर हाजिर किया जाए। मत घबराओ बेटी, बादशाह अपनी रियाया का बाप समझा जाता है, हम तुम्हारे बादशाह हैं, तुम्हारे बाप की तरह हैं, तुम हमारी औलाद में से हो। ऐसे किसी शख्स को जानती हो जिसे तुम्हारे घराने से बैर हो? मैं ऐसे किसी शख्स को भी नहीं जानती। मुमकिन है कि कोई तुम्हारे घराने का दुश्मन न हो, तुम्हारे बाप और भाई किसी के दुश्मन हो और उन दोनों ने घेर कर उसे कत्ल करना चाहा हो और खुद कत्ल हो गए हो, ऐसा मुमकिन है? मुमकिन है। ऐसे किसी शख्स का नाम तुमने कभी सुना है? कभी नहीं सुना। तुम कातिल या कातिलों की निस्बत कुछ नहीं कह सकते? कुछ नहीं मलका आलम। हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है, हम तुम्हारे गम में तुम्हारे बराबर के शरीक हैं। सरदार संग्राम सिंह से हजारी दरे दौलत पर हाजिर हैं। ठाकुर उदय सिंह और रंजीत सिंह के कत्ल के बारे में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हाजिर होने दो। सरदार संग्राम सिंह, अंदाता, तुम इसलिए आए हो कि ठाकुर उदय सिंह और रंजीत के कत्ल की निस्बत कुछ बयान करो। अंदाता, इजाजत है। ठाकुर उदय सिंह और रंजीत सिंह के कत्ल का ताल्लुक मुझसे है, कत्ल कैसे हुआ ये मैं अर्ज नहीं कर सकता, किसने किया ये मैं जानता हूँ। यानी? ये इसलिए जानता हूँ कि मैं कत्ल का बाप हूँ, दोनों खून मेरे बेटे के हाथों बहे हैं। गोया तुम ये कहना चाहते हो कि मंगल सिंह को ठाकुर उदय सिंह और रंजीत का कातिल समझ लिया जाए? यही। तुम्हारा बयान मान लिया गया। इसके सिवा अब हम ये भी सुनना चाहते हैं कि ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मंगल सिंह कातिल बन जाने के बाद मेरे पास पनाह लेने आए, मेरे सामने उन्होंने अपने को खूनी होने का इकरार किया और मैंने बाप बेटे के रिश्ते को भूल कर अपना ये फर्ज समझा कि उन्हें कानून के सुपुर्द कर दूं। बयान जारी रहे, लेकिन मेरे पर्स के अदा होने से पहले वो मेरे कब्जे से निकल गए। कैसे? एक माँ शायद अपनी ममता के सामने बड़ी से बड़ी बात का भी लिहाज नहीं कर सकती। मंगल की माँ भी एक माँ है, उसने माँ होते हुए मंगल के मुकाबले में मेरे पर्स को पीछे डाल दिया और कानून की अमानत मेरे हाथ से गुम हो गई। इसलिए मैं अपनी हैसियत एक मुजरिम की तरह समझने पर मजबूर हो गया हूँ और अपनी इस गलती का वो हर्जाना देने के लिए हाजिर हुआ हूँ जो मेरी इस गलती के लिए चाहिए।
कुंवर, हम तुम्हें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारे बाप और भाई के कातिल के साथ सल्तनत का कानून पूरा पूरा इंसाफ करेगा। मैं अपने पिता और भाई के खून के वास्ते न्याय नहीं चाहती। वो जो कुछ भी हमारे भाग में था हो चुका। तुमने गलत कहा। तुम्हारे इनकार से शाही इंसाफ की तसल्ली नहीं हो सकती। तुम्हें इंसाफ नहीं चाहिए, लेकिन कानून को तो चाहिए, और कानून की जरूरत कभी नहीं रोकी जा सकती। सरदार संग्राम सिंह, जो अमानत तुमने गुम कर दी है उसे तलाश करो, और उस वक्त तक तलाश करते रहो जब तक तुम हो। तुम्हारी गलती के लिए यही काफी है। सरदार संग्राम सिंह, राजकुमार हमारी गहरी तवज्जा के लायक है। ये अपने बाप और भाई के बाद दुनिया में शायद अकेली रह गई है। अगर हम अपनी तरफ से राजकुमार को तुम्हारे ही हवाले कर दें, इसकी सरपरस्ती का बोझ तुम पर डाल दें, तो तुम मंजूर कर लोगे? मलके मौजिमा के हुक्म के सामने सर झुकाना संग्राम अपनी खुशकिस्मती समझता है। हमारी तरफ से शुक्रिया। राजकुमार, हमने तुम्हारे लिए ये जो कुछ फैसला किया है, तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं? मलके आलम, आपकी कृपा। सरदार संग्राम सिंह, इसे दुनिया की सबसे कीमती चीज जानकर इसकी हिफाजत करो। ये हमारी अमानत है जो तुम्हें मिली। इसका ध्यान रहे कि ये अमानत है और हमारी। तो एक नई दुनिया है हैदर अली, सपने की दुनिया जैसे, जो तो इसी दुनिया में तुम कहीं खो डालो। क्या बहुत पसंद आया ये मंजर? बहुत। मैं तो ऐसा कुछ समझ रहा हूँ कि जैसे उस दुखी दुनिया से इस दुनिया का कोई संबंध ही नहीं। फिर यहीं गुजार दो जिंदगी। कैसे गुजार दूं मेरे दोस्त? इस भागे हुए मुजरिम को नर्क में भी शांति नहीं मिल सकती। ये तो स्वर्ग है। खैर छोड़ो इन बातों को, और बताओ तुम मेरा संदेश कब भिजवाओगे? कल भिजवा देंगे। अच्छा है, उन्हें मेरी तरफ से इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन कौन ले जाएगा, किसे भेजोगे? मुझे गिरफ्तार करा देने वाले के लिए इनाम मुकर्रर हो चुका होगा। किसी ऐसे शख्स को भेजना भाई, जिसके इस इनाम पर राल न टपक सके। ये जाएंगे तुम्हारा संदेश लेकर। ये मेरे दूध शरीक भाई हैं, इन्हें पता समझा दो। आगरा जाना है ना? जी। किस जगह? आप कभी आगरा गए हैं? बस एक बार। तो फिर ऐसा कीजिए, कहना तो बस उनसे यही है कि मंगल खतरे की निगाहों से ओझल हो चुका है, और उसका इरादा है कि अब जहाँ है वहाँ से भी कहीं दूर चला जाए। हाँ? मुझे कहने दो पहले। ज्यादा दिन एक जगह मुझ जैसे खूनी मुजरिम का ठहरे रहना मेरे और मेरे ठहराने वाले दोनों के लिए खतरनाक है। मैं तो बलाओं के बीच घिरी गया हूँ, दूसरे किसी के लिए मुसीबत का कारण क्यों बनूं? नहीं, तुम यहीं ठहरोगे, जबरदस्ती ठहरोगे। हाँ, पर आप मेरी तरफ से उन्हें यही संदेश दें। पता आपने नहीं बतलाया? आगरा शहर की चार दीवारी के पास जब आप पहुँचेंगे, तो चार दीवारी के बाहर ही नदी किनारे धोबियों की एक छोटी सी बस्ती आपको मिलेगी। बस्ती के सिरे पर ही रानी धोबन का घर है। वो हमारी खास धोबन है। वो आपको उसी वक्त हमारे घर पहुंचा देगी।
ना बहना, मैं ना नाचने की। क्यों ना नाचने की? बड़ी आई अफलातून की, ना नाचने की। हम कोई तेरे मोती तोड़ लेंगे। क्या कहा इसने री? कह रहा है ना नाचने की। है? फिर हमारी जिंदगी का कहेगा? अरे मैंने कही जब नाचने की ना बदी थी तो फिर जहर की पुड़िया क्यों ना लेती आई तू? अच्छा हमको मत रोकियो, हम डूबने चले हैं। तू भी चली है बे? ना मैं तो यहाँ ही मर रहूंगा भैया। मैंने कही जो हम सबकी जान का आजाब तुझ पर न पड़े तो मैं अब मेरी जमान से कुछ निकल जाएगा तो इससे तलवा धोबी नहीं चमार कह देना, इससे जद्दू नहीं भंगी कह देना। और कौन सी है? तुम रानी धुवन को नहीं पहचानते? फिर तो तुम्हें ये भी खबर ना होगी जी कि आगरा शहर किधर को बसे हैं और आगरा शहर कहे किस चीज को है। काले कोजों के मुसाफिर जान पड़ो हो। हाँ बहुत दूर से आए हैं हम। अच्छा तो जी तुम्हारे तो कभी ख्वाब में भी आगरा शहर ना आया होगा। आया होता तो रानी धुवन भी तुम्हारे ख्वाब में आनी चाहिए थी। कौन सी है रानी धुवन? वो क्या रही वो जो नाच रही है? कहाँ नाच रही है? मुझे भी तो देखने तो लोगो, मैं भी तो उसे देखूं नाचते हुए जरा। शर्मावे क्यों है री तू? मैं कोई गाय थोड़े ही हूँ, मैं तो तेरा रामू हूँ, तेरे सामू का बापू हूँ मैं तो। इससे क्यों शर्मा गई तू? आज तुम्हार बापू है का तुझे याद ना रहा? प्रणाम पिताजी। जियो ये जरा हमारे गरीबान का तुकमा तो टांग दो, हर चौथे पांचवे दिन टूट जाता है। लाइए। ऐसे ही टांग दो बस दो तीन टांके फिर टूट जाएगा। तो फिर टांग दीजिए। तुम्हारी माँ को तो अब सुई भी सुझाई नहीं देती, भली मानस अपनी आंखों के पीछे ही पड़ गई है। और क्या करे फिर, वो अपने बेटे की माँ है और आप जो हैं बाप हैं। क्या मतलब तुम्हारा? माँ को अपनी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार होता है। और बाप को नहीं होता? होता है, उड़द पर सफेदी जितना। देखो सुई मत छो देना कहीं। आप भूल कर भी उन्हें याद नहीं करते और माँ जी भूल कर भी उन्हें नहीं भूलती। ठीक ठीक तुकमा टांग दिया। तुम बहुत अच्छी बेटी हो, हमारे भाग देखो
हमें पली पलाई बेटी मिल गई। जीती रहो जीती रहो। बेटी भी कितनी आराम की चीज होती है और बहुत से कामों के सिवाय वक्त बेवक्त तुकमा टकवाने के ही काम आ जाया करती है। और हमारा तो ख्याल है कि बेटी होती है तुकमा टकवाने के लिए। ठाकुर जी। जी बाहर कोई मिलने आया है हमसे? आपसे। अच्छा बिठाओ हम आते हैं। पालागन ठाकुर। पालागन जयराम जी की। ठाकुर जी जयराम जी की। अरे भाई हमारे चोगे का तुकमा तुम फिर तोड़ लाई, ये क्या मर्ज हो गया है तुम्हें? क्षमा ठाकुर जी। विराजिए आज्ञा। मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। संदेश आया है? संदेश कहाँ से आया है? कौन लाया है? क्या आया है? वो खतरे से दूर हो गए हैं, बहुत दूर, पर उनका ख्याल है कि वो कहीं और भी ज्यादा दूर चले जाएं। वो खतरे से और भी ज्यादा दूर चले जाना चाहता है, मुनासिब है। मैं भी तो सुनूं क्या संदेश भेजा है मेरे लाल ने। कि वो खतरे से दूर हो चुके हैं। और भी तो कुछ कहला भेजा होगा। और क्या कहला भेजा है मेरे लाल ने? मुझे प्रणाम तो कहला के भेजा ही होगा। मैं उसकी माँ हूँ, उसने अपनी माँ को क्या संदेश भेजा है भैया? ये तो कहा होगा तुमसे कि मेरी माँ को जाकर मेरा प्रणाम कहियो। और यही तो जरूर कहा होगा कि माँ मुझे याद आती है। और उसके बाद ये कहा होगा कि मैं अच्छी तरह हूँ। क्यों भैया? क्यों भैया? जी छोड़ के चलना मेरे भाई, तुम्हें चार दिन का रास्ता दो दिन में तय करना है। पालागन सरदार। पालागन तुम बता सकते हो हैदर अली जागीरदार की हवेली किस ओर है, कितनी दूर है? जो को सरदार यूँ पश्चिम की ओर। शुक्रिया। जय सरकार। लौटते हुए पिएंगे भाई, हमारी प्यास तुम पर उठा रही। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया हैदर, मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। जरूरत भी नहीं, मेरा घर कोई सराय तो थी ही नहीं कि तुम्हें वहां ठहरने के लिए कोई मुआवजा अदा करना पड़ता। ये तुमने बात मारी हा? नहीं मंगल, लेकिन तुम फजूल जा रहे हो। मैं नहीं समझ सकता कि मेरे पास तुम्हारे न ठहरने का मतलब क्या है।
हैदर अली, मैं एक खूनी हूँ, कानून के दाव से भागा हुआ एक मुजरिम हूँ। खतरा मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ ठहरा रहा तो फिर उससे बचकर नहीं भाग सकता। खतरे के सर पर आ जाने से पहले मुझे आगे बढ़ने दो। तुम यहाँ ठहर कर तो देखते देखते तो सही कि तुम पर किसी की टेढ़ी निगाह पड़ना कितनी मुश्किल होती। दोस्त की दोस्ती को परखे बगैर तुम चल दिए। तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान लिए बगैर ही मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है। अच्छा, अब मुझे रुखसत करो। मैं बहुत खुश रहा, बहुत इत्मीनान से रहा। मुझे भरोसा रहा कि तुम एक सच्चे दोस्त हो मेरे। मंगल, अच्छा होता अगर तुम न जाते। बुरा भी हो सकता था। मंगल, तुम जा रहे थे? अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ पहुंचा। अगर तुम चले जाते तो मेरी मुश्किलों की इंतहा न रहती। पिताजी, माताजी तो अच्छी हैं। अच्छी हैं। और सब अच्छे हैं। लो, इसे पहन लो। पिताजी। हाँ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। ठहरिए जरा, आप इनके बाप हैं दुरुस्त है, लेकिन ये इस वक्त मेरे मेहमान हैं, मेरी पनाहें हैं। आप मेरे बुजुर्ग हैं, अपनी शान में मुझे गुस्ताखी करने का मौका न दें, मुझे अफसोस होगा। हैदर अली, मेरे और मंगल के बीच में मत पड़ो। मैं इन्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, इन्हें गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। हरगिज नहीं। हैदर, मुझे गिरफ्तार होकर जाने दो। आप इन्हें गिरफ्तार करके एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने फर्ज का ध्यान रखते हुए हमारे फर्ज का भी ख्याल रखें। मेरे और आपके फर्ज में कहीं टक्कर ना हो जाए। कोई परवाह नहीं, तुम अपने फर्ज की रक्षा कर सकते हो। बेहतर। हैदर, ये बाप है मेरे। हैं, लेकिन हम इस वक्त ऐसा नहीं समझ सकते। हैदर, मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। कोई हर्ज नहीं, तुम्हें इजाजत है। हैदर! हैदर, तुमने मेहमान पर वार किया। Oh,
किया? भला यूं कब तक रोती रहेगी? उठो मेरी बेटी, यूं हलकान होने से क्या होगा? क्या होगा? होगा, ईश्वर ने चाहा तो अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। और अच्छा न हुआ तो क्या होगा? बुरा बोल मुझे नहीं निकाला करते बेटी, अभी तो दरबार में उसका मुकदमा ही सुना जा रहा। प्रार्थना करो। मैं तो कब से कह रही हूँ इनसे, न जाने इन्होंने मेरी सुनी भी है या नहीं। ईश्वर के कर्तव्य न्यारे, वो अगर चाहे तो मुर्दे में भी जान पड़ सकती है, उसकी दया का क्या ठिकाना भला? सच माता, उसकी दया का कोई ठिकाना नहीं है। ये सच है या यूं ही आपने कह दिया? निराश हो जाने पर लोग कहा करते हैं कि प्रार्थना पर आशा रखो, ईश्वर की दया की कोई था नहीं है। हमारी भी मुश्किल कहीं इस अंत को तो नहीं पहुंच गई? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे देखो, जानती हो मैं सिर्फ माँ हूँ, माँ, और मैं माँ होकर भी नहीं रोती। देखो देखो तो, मैं माँ होकर भी अपने बच्चे के लिए नहीं तड़पती। माता माता, ईश्वर की दया का क्या ठिकाना भला? उसके कसम न्यारे हैं, वो अगर चाहे तो मुर्दे में भी जान पड़ सकती है। आने का हक है और न मजाल। नजर झुकाए हुए और हाथ बांधे हुए खड़े रहो, रहो खामोश सांस रोके हुए। क्या रही है सवारी कमाल रहमत की? हवाएं हो गई साकित जमी की गर्दिश भी। दरबार, मंगल सिंह अन्नदाता, तुम पर जो इल्जाम है उसकी सफाई के लिए माँ बदौलत तुम्हारा बयान सुनेंगे। हुक्म अन्नदाता। हुक्म है। मुझे इकरार है कि रणजीत सिंह मुझसे लड़कर कट मरे और मेरे हाथों ठाकुर उदय सिंह को जख्मी होना पड़ा, लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ कि वो लड़ने ही के लिए आए थे। उन्होंने अपने अपने ध्यान में मरने मारने ही की ठान रखी थी।
हो सकता था कि वो मेरा खून बहाकर अपने इरादे में कामयाब हो जाते, लेकिन हुआ ये कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ लड़ाई जीत गया। तुमने इकरार किया कि तुम पर जो कत्ल का इल्जाम है वो इल्जाम दुरुस्त है। उन्होंने मुझे लड़ने पर मजबूर किया, उन्होंने अपना खून बहाने के लिए बुरी तरह हट की, और दो तलवारों के टकराने का जो अंजाम होना चाहिए था हुआ। उन्होंने खुद लड़ाई की पहल की और आखिर में खुद ही हार गए। इल्जाम की सफाई अभी तक तुम नहीं कर सके। अंदाता, कोई अगर जानबूझकर ज्वालामुखी के दहाने पर बैठ जाए तो कोई क्या करे? कोई क्या करे अगर कोई अंगारे चाप कर निकल जाए? एक वीर राजपूत को गाली देना भी ऐसा ही है जैसे कोई शेर के जबड़ों में अपना सर डाल दे। रंजीत सिंह और उदय सिंह ने जबरदस्ती मेरी तलवार को झुंझोड़ा और वो झुंझला गई। इतना कह डालो कि कहने से कुछ रह न जाए, फिर इस बात का अफसोस न रहे तुम्हें कि तुम बहुत कुछ न कह सके। अन्नदाता, मैं अगर अपने ही दांतों से अपना टेटवा चाप कर कह दूं कि मेरे दांत खूनी हैं, मैं अगर अपने सीने में खुद ही एक सलाख ठोंक कर कह दूं कि सलाख मुजरिम है, तो क्या मेरा ये कहा मान लिया जाएगा? मुझसे भी इसी तरह का जुर्म हुआ है, मुझे तय करनी पड़ी इसलिए कि मेरे मुंह में गंदगी ठूंसी गई थी। मेरा खून भला कैसे न खौलता जबकि मेरी रगों में अंगारे भर दिए गए थे। मेरे सर पर कूड़ा फेंका गया और मेरी तलवार उठ गई। तुमने अपनी सफाई के लिए जो दलीलें दी वो अपनी जगह पर मुनासिब हैं, फिर भी हम तुम्हें बेकसूर नहीं मान सकते। अंदाता, इसलिए कि अगर तुम्हें ये यकीन था कि तुम बेखता हो, तुम मुजरिम नहीं हो, तो फिर तुम क्यों कानून के सामने आने से डर गए? ये जानते हुए भी कि कानून से तुम अपना बेकसूर होना मनवा लोगे, तुमने क्यों ना खुद को कानून के फैसले पर छोड़ दिया? इस डर से अंदाता कि खून का बदला खून, यही जहांगीर का इंसाफ है। तो इसका यह मतलब हुआ कि मां बदौलत का इंसाफ लकीर का फकीर है? इसका यह मतलब हुआ कि मां बदौलत का इंसाफ इंसाफ नहीं है, एक बेहुदा जिद है, जिद जो किसी दलील को नहीं मान सकती। क्षमा अंदाता, जवाब दो, जब तुम्हें यह मालूम था कि तुम बेकसूर हो तो तुमने ये क्यों ना सोचा कि इंसाफ की तरफ से किसी बेकसूर पर आंच नहीं आ सकती? तुमने ये क्यों सोचा कि इंसाफ तुम्हारे लिए गूंगा और बहरा हो जाएगा? तुम क्यों इंसाफ का दामन झटक कर चले गए? कसूर अंदाता, नहीं, तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम मुजरिम हो, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है और इंसाफ भी तुम्हें मुजरिम ही ठहराएगा, इसलिए तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। ये एक अटल बात है कि सच्चाई किसी खतरे से नहीं डरती। बात तुम्हारे दिल में खोट थी जिसने तुम्हें इस बुजदिली के लिए उभारा। इन तमाम दलीलों को सामने रखते हुए और फिर उन दलीलों का कोई मामूल जवाब न पाते हुए इंसाफ ने तुम्हें मुजरिम यकीन कर लिया। तुम्हें इंसाफ के किसी फैसले से शिकायत नहीं होना चाहिए, फैसले का इंतजार करो। कोई परवाह नहीं, हंसते खेलते सह जाओ। तुम राजपूत हो, मौत से खेलना तो तुम्हारा काम ही है। मां की ममता से कभी कभी घाटा भी हो जाता है। मैं कायर शायद नहीं। नहीं हो, बेशक नहीं हो। सरदार संग्राम सिंह से हजारी दरे दौलत पर हाजिर हैं, बारियाबी चाहते हैं। आने दो।
रख लिया। कैसे आए ठाकुर? इससे पहले कि कानून कोई फैसला सुना दे, शाही रहम को पुकारने आया हूँ और ये आस लेकर आया हूँ कि मेरी पुकार निराश होकर नहीं लौटेगी। मतलब? वो जो उम्र भर की कमाई मैं जहांगीर इंसाफ पर निछावर करने ले आया था, अब उसी की भीख मांगने आया हूँ। समझे, लेकिन निछावर की हुई चीज लौटाया नहीं करते और वो लौटा भी नहीं करती। मैं सरदार संग्राम सिंह बनकर हाजिर नहीं हुआ हूँ, बाप बनकर आया हूँ। संग्राम सिंह को अपना फर्ज प्यारा था, उसने मुजरिम को शाह के हुजूर हाजिर कर दिया। बाप को अपना बेटा प्यारा है, इसलिए बाप अपने बेटे की जिंदगी मांगने आया है। तुम इस वक्त संग्राम सिंह बनकर नहीं आए, बाप बनकर आए हो, और हम भी इस वक्त शहंशाह नहीं है, जहांगीर है, और जहांगीर को शाही कानून पे इख्तियार नहीं है। जहांगीर को सब पे इख्तियार है। संग्राम शहंशाह के इंसाफ से कुछ कहने नहीं आया, एक बाप शाही रहम का दामन थाम के रोने आया है, ये समझ के कि शाही इंसाफ शाही रहम का कहा टाल नहीं सकता। अंदाजा, आपके अख्तियार में अगर इंसाफ नहीं है लेकिन रहम तो है। संग्राम अपना फर्ज अदा कर चुका, इंसाफ अपना फर्ज अदा कर चुका, लेकिन रहम ने अभी अपना फर्ज अदा नहीं किया। रहम के जिम्मे भी एक फर्ज है, रहम को भी अपना फर्ज अजीज होना चाहिए। मानते हैं संग्राम सिंह को अपना फर्ज अजीज है, एक बाप को अपना बेटा अजीज है, जहांगीर को रहम अजीज है, शहंशाह को इंसाफ अजीज है, और फिर कोई भी अपने अजीज को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकता। शहंशाह को यह किस तरह बर्दाश्त होगा कि जहांगीर का रहम उसके इंसाफ का खून बहावे। शहंशाह, संग्राम सिंह, हमें तुमसे हमदर्दी है, लेकिन हम क्या करें, तुम हमसे वो तलब कर रहे हो जो हमारे बस में नहीं है। मेरी कई पुश्तें शाही सेवा में बीत चुकी हैं, उनकी सेवा और उनकी बेदाग वफादारी का ही ख्याल फरमाते हुए मेरी इल्तिजा कबूल फरमाई जाए। सरदार संग्राम सिंह की कई पुश्तें शाही खिदमत में गुजर चुकी हैं, हमें इकरार है, लेकिन तुम फिर भूल गए कि तुम संग्राम सिंह बनकर नहीं आए हो, और ये कि इस वक्त हम भी शहंशाह नहीं है। अंदाता, मंगल की जिंदगी का सवाल मेरी जिंदगी का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है जिसने शाह के इशारों पर अपने खून की छींटे उड़ाई हैं, जिसने शाही हुक्म बजा लाने के लिए तलवारों की धारों पर अपने सीने को टेक टेक दिया है, जिसने शाही बात की पच के लिए तीरों की नोके टेढ़ी कर कर दी है, जिसके बाप दादों की हड्डियां सल्तनत की चार दीवारी में गड़ी हुई है, जिसके बाप दादों ने सल्तनत को अपने खून की घुट्टी पिलाई है, जिसके बाप दादों ने अपना लहू बहाकर हुकूमत की खेती सींची है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है जिसके बाप दादों की लाशों पर हुकूमत की नींव रखी गई है, जो बड़ी बड़ी मुश्किलें सहकर अपने फर्ज को जिंदा रखता रहा है, जिसने बड़ी जान जोखों से शहंशाह का नमक हलाल किया है। संग्राम सिंह, आलमपना, जामे से बाहर मत हो, हम तुम्हारे कहे को तस्लीम करते हैं, लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि इंसाफ की हतक से खिदमत की इज्जत नहीं हो सकती। हम इंसाफ कर चुके, ये हमारे आखिरी अल्फाज हैं। ये आपके आखिरी अल्फाज हैं? आखिरी अल्फाज? मेरी आस का आखिरी तार जो हिलगा रह गया था वो भी टूट गया। मंगल सिंह, तुमने जव बोए थे, बाप तुम्हें गेहूं कैसे काट के दे दे, तुमने जव बोए ही क्यों थे? मैं के सरदार नवाजिश अली खां पंचहजारी जहां पना शहंशाह जहांगीर के हुक्म मोहतरम से ठाकुर मंगल सिंह रिसालदार वरद सरदार संग्राम सिंह से हजारी कौम राजपूत के हक में उसके जुर्म के फैसले का ऐलान कर रहा हूं। तुम के ठाकुर मंगल सिंह रिसालदार वरद सरदार संग्राम सिंह से हजारी कौम राजपूत सकने अकबर आबाद हो। कानून ने तुम्हें ठाकुर उदय सिंह वर ठाकुर रणबीर सिंह कौम राजपूत सकने अकबर आबाद
और ठाकुर रंजीत सिंह हवालदार पलट ठाकुर उदय सिंह आम राजपूत सतने अकबराबाद का कातिल तस्लीम कर लिया। तुमने अदालत आलिया के सामने अपने जुर्म का इकरार किया और जो इतराज तुम्हारे बयान पर अदालत आलिया ने किया था तुम उसका कोई माकूल जवाब न दे सके, इसलिए अदालत मौसूफ अपने फैसले पर पूरा भरोसा करते हुए मुल्क के कानून और शरीयत के कायदे के मातहत कत्ल के जुर्म में तुम्हारे लिए सजाए मौत तजवीज करती है। लेकिन कल चूंकि रमजानुल मुकर्रम की पहली तारीख है इसलिए इस मुबारक महीने का एहतराम करते हुए सजाए मौत तुम्हें ईद उल फितर के दो दिन बाद दी जाएगी। फैसला शाही मोहर के बाद सादिर हुआ। मेरी तलवार टूट गई। उनका क्या निमटा? मंगल का क्या निमटा? सब निमट गया। तब तो उसे साथ ले आए होगे, फिर उसे छोड़ कहां आए? शोभा, हम मंगल को न ला सके और वो अपनी आन भी न ला सके जिसे हम अपने साथ लेके गए थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो आपको घी के चिराग जलाने चाहिए। आपने मनवा तो लिया कि आप एक नमक हलाल नौकर हैं, एक बहादुर बाप हैं। आपके कलेजे में ठंडक तो पड़ गई। न्याय के माथे पर आपने एक निर्दोष के खून का तिलक तो लगा दिया। शोभा, आपकी मनमानी मुराद तो पूरी हो गई। वो तख्ती तो आपने किसी न किसी तरह उतार फेंकी जो मैंने आपके गले में लटका दी थी। आपकी नमक हलाली का ढंडोरा तो पिट गया। आपकी बहादुरी की धाक तो जम गई। आपके नाम के वो झंडे तो गड़ गए जो मैंने उखाड़ फेंके थे। इतना होने पर भी आप घी के चिराग क्यों नहीं जलाते? शोभा, बहुत कह लिया तुमने। तुम चुप बैठे रहो, मुझे अभी और कहने दो। मेरे मन में ज्वाला फट पड़ा, मेरी हड्डियों तक उसमें पिघली जा रही है। तुमने मेरी गोद पर झाड़ू फेरी है, तुमने मेरी कोख पर लात मारी है, तुमने घर फूंक कर तमाशा देखा है। मुझे कोयले उछालने दो, उछालने दो, मुझे कोयले उछालने दो। चांदी की नदियां में तो बन की अंगिया, धोए रे मलमल तो गया, धोए रे मलमल तो गया।
पिया चम चम चमकेगी अंगिया पहन के चम चम चमकेगी अंगिया पहन के बरसेंगे सुंदरी पे तारे गगन के बरसेंगे सुंदरी पे तारे गगन के सुंदरी सजो तुम्हारो प्यारो जो बन सजो तुम्हारो ठाट ए हो सजो तुम्हारो ठाट ए हो सजो तुम्हारो ठाट गई पगड़ी की चुन्नट में अंगिया लिपट गई धोबिया की गोदी में रानी सिमट गई धोबिया की गोदी में रानी सिमट गई ये रथ किसका जा रहा है ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली का जान पड़े है उमर जावे है मैं तो जानू तू गैब का हाल जाने क्या मालूम दूजा कोई हो मैंने आज सवेरे सुना था कि वो आज मलका की खिदमत में जाएंगी काहे भला मंगल सिंह की खातर दया की अर्जी देने भला जी भला फिर तो माफी मिल रहेगी मलका जी को उन पर तरस आवे बिना रहेगा नहीं और फिर बादशाह सलामत को उनके तरस का लिहाज करना ही पड़ेगा ये तो है ही जी घरवाली बड़ी जालम सा होवे है कैसा ही जी गुर्दे वाला कोई क्यों न होवे उसे भी मुट्ठी में दाब के बैठ जाए है लोग कहिन है कि मर्द लुगाई का खसम होवे है उल्टा कहिन है इब हमरा ही मामला देख लियो कहने को तो मैं खसम कहलाऊ हूँ रानी का पर बाकिया उल्टा ही है चुप रहो लजने की इसमें कौन सी बात है री ये जो इतने मर्द नजर आ भी रहे हैं तुझे बस ये दिखावे ही दिखावे के है ईश्वर की दया से इनमें से एक भी अपनी लुगाई का खसम ना है अब जल्दी करते हैं भी यहाँ से जरा ऊंचा है मैं गिरी हूँ थी यहाँ से जरा नीचा है मैं मरी हूँ थी ओहो बिजली भी तो आज कौन रही है किस पर टूटेगी अरे कहाँ लकीर पीटना ही रह गया है अब तो सिंगार करने की कुछ आदत सी पड़ गई है नहीं तो जब मैं तुम्हारी उम्रों में थी तो बड़ी दूर दूर से लोग मेरी सज धज देखने के लिए आया करते थे देग में मेरा नाम लेके कंगी चोटी किया करती थी इसमें क्या शक है बुआ ये तो किस्मत से जरा कसर रह गई है अगर तुम सिर्फ औरत ही औरत होती तो किसी न किसी सल्तनत की मलिका जरूर होती बादब्बा मलाइजा मलका आलम तशरीफ ला रही हैं दिल में तो
बताओ हम किसे निशाना बनाएं जिसके जीने का कोई मतलब ना हो। गोया तुमने ये कहा कि हम किसी को भी निशाना नहीं बना सकते। कनिष ने तो ये अर्थ नहीं किया मलकयाला। यही कहा क्योंकि हर जिंदगी अपनी जगह अपना एक मतलब रखती है, हर चीज हर जर्रा। फिर भी मलकयाला दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। एक उनमें से भी बिजली है। ना मुराद चुड़ैल कहीं की, मैंने भला तेरे कौन से गांव मार लिए है। जब देखो मुंडिका जी मेरे पीछे पड़ी रहती है। गुस्सा थूक दो बिजली, देखो निशाना देखो हमारा। देखो उस दरख्त की सबसे ऊंची शाख को निशाना बनाते हैं। बहुत खूब मलका आलम, वारी जा लौंडी। अब तुम में से कोई निशाना बताए। कनिष बता। हाँ जग माहे जग जग जियो जियो सदा तुमना जियो सदा तुमना सदा तुम सुकल रहे हर बात रहो। कुछ हेल्प करने आई हो मलका आलम? हम सुनेंगे, जो कुछ कहने आई हो कह डालो। मलका आलम को याद होगा कि आपने कनीज को एक बार अपनी अमानत कहा था। याद है, हम जो कुछ कह चुकते हैं उसे कभी नहीं भूलते। मुझे यही अर्ज करना था कि आपने अपनी अमानत जिनके हवाले की थी वो अगर आपकी अमानत न लौटा सके तो आप उन्हें कोई दोष न दें। समझ लें कि आपकी अमानत खुद ही मिट गई। यानी आप जानती होंगी कि हर हिंदू औरत सती हो जाती है जब उसे सती होना पड़ता है। मेरे सती हो जाने का समय भी आ पहुंचा है। हम अभी तुम्हारी बात समझे नहीं। मलका आलम
वो जिनसे दो जीवों की हत्या हुई है, जिन्हें लोग हत्यारा मानते हैं। तुम कुछ मंगल सिंह के बारे में कहना चाहती हो क्या? मैंने उन्हें वही मान लिया था कि जिनके मर जाने पर मुझे सती हो जाना चाहिए। मैंने उन्हें प्राणनाथ मान लिया था। मंगल सिंह को कब? बहुत दिन बीते। आप ये न सोचे कि दुनिया ने हमारे जीवनों की गिरह नहीं बांधी। दुनिया ने हमारे जीवनों में गिरह लगते नहीं देखी। ये गिरह तो मन के भीतर लगाई जाती है। दुनिया ने देखा या न देखा, हमने ये सोचा ही न था। हम तुम्हारी बात का मतलब समझ गए। कनीस का सवाल तो मलका आलम की दया से ही है। आप मलिका हैं, एक औरत भी हैं, और औरत के दुख दर्द को औरत ही अच्छी तरह समझ सकती है। औरत ही औरत के सीने में हाथ डालकर कुछ छू सकती है, कुछ टटोल सकती है। आप तो समझ सकती हैं कि इससे बड़ा दुख औरत के लिए नहीं है कि वो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो जाए। सही है। आप चाहें तो मेरे सुहाग की मौत टल सकती है। आप चाहें तो तुम हमसे मंगल सिंह को मांगने आई हो, लेकिन मेरी अजीजा, मंगल की जान बख्शी हमारे इख्तियार में कहाँ है। उसे तो कानून हथिया चुका है। अच्छा, ऐसा ही सही। आप इतनी बड़ी मलिका होकर एक जिंदगी भी किसी को नहीं दे सकती। मैं ये बात नहीं जानती थी। आप इतनी बड़ी मलिका होकर एक जिंदगी भी किसी को नहीं दे सकती। आप इतनी बड़ी मलिका होकर एक जिंदगी भी किसी को नहीं दे सकती। आप इतनी बड़ी बिजली। आलीजा की खिदमत में हाजिर होकर मलिका का सलाम पेश करो और अर्ज करो कि मलिका मुकर्रमा आलीजा के नियाज हासिल करना चाहती है। मलके आलम, मलके आलम। लौंडी के गुस्ताखे के लिए मुआफी। एक शिकार मलके आलम के निशाने का अरमान लिए बैठा है। अरे कहाँ, किधर? कहाँ? वो देखिए, वो रहा सामने। कहाँ? वो देखिए, कनीज की उंगली की सीध में। वो उड़ा, वो। मलका आलम, जहाँ पना मलका आलम के हरम में तशरीफ ला रहे हैं। अरे क्या हुआ रामू को? क्या हुआ? मत रूठो हमसे, बोलो मेरे राजा, राजा हो। देखो मेरा राज लुट गया, आंखें तो खोलो जरा। बापू, ओ बापू, ओ बापू रे बापू, तुझे क्या हो गया? अरे माँ, बापू को क्या हो गया? लूट किया तुझसे तेरा बापू। किसने मारा तीर? महल से आया। बड़ा जुलम हुआ ये तो। ऐसा भी क्या गजब जी, दिन दहाड़े ये जुलम, ये सीना छोड़ी। मगर ये कैसे हो? कैसा बोल रहे हैं लोग? क्यों? कुछ हो
गया होगा। रोको रथ, पूछो किसी से क्या हुआ। अरे ओ भैया जरा सुनो तो, क्या अजी ठाकुर जी, क्या हुआ है? बड़ा गजब हो गया जी ठाकुर जी। क्या गजब हो गया है? रामू धूबी मर गया जी। क्या हुआ था? क्या बताएं क्या हुआ था, मैं से एक तीर फेंका था किसी ने, वो चुप गया रामू के, बस वो यूं यूं तड़प के मर गया जरा में। तीर राजमहल से फेंका था किसी ने और राजमहल में मलिक का तीर कमान लिए हुए थी। गाड़ीवान भगा जोर से। मानना पड़ेगा कि मलिका खूनी है, मलिका मुजरिम है, फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि खून का बदला खून, यही जहांगीर का न्याय है। फिर? आपकी समझ को क्या हो गया है? आप ये नहीं सोचते कि इधर की दुनिया उधर हो सकती है, पर ये नहीं हो सकता कि मलिका को भी उनके जुर्म की वही सजा मिल जाए जो दूसरे खूनियों को मिलती रही है। अन्नदाता मलिका को सजा नहीं दे सकेंगे। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मलिका को सजा हो जाए? बुरा चाहती हो तुम। मैं ये नहीं चाहती कि मलिका को सजा हो जाए। मलिका को सजा हो सकती है, कानून उन्हें क्षमा कर देगा। कानून के हाथ में इतना बल नहीं है कि मलिका की कलाई पकड़ सके। कानून में इतना बूता नहीं है कि मलिका के पंजे में पंजा डाल सके। आप समझे, जिस बहाने से मलिका कानून के सामने से हटाई जाएंगी, उसी बहाने से हम उन्हें छुड़वा लाएंगे। जाइए जाइए जाइए, अभी समय है। तीर मारा इसके किसी ने? हाँ जी ठाकुर जी, तीर मारा जी। ताक के मारा ठाकुर जी, ऐसे जोर से मारा ठाकुर जी, तनिक में कान ही तो निकल गई, ऐसे तड़पने लगा ठाकुर जी, बस ऐसे तड़प। तुम्हारी लेकर जाओगी बादशाह सलामत के पास? पर मुझ दुखियारी की कौन दुहाई सुनेगा? हाँ जी, हम गरीबों की दुहाई कौन सुनेगा? हम भला किससे जाके फरियाद करेंगे? हमारी पुकार कैसे पहुँचेगी जी ठाकुर जी? पहुँचेगी ऐसे ही जैसे औरों की पहुँचती है। चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ चलो, हम दिलवाएंगे तुम्हें न्याय। ठाकुर जी की जय। तुम इतनी समझदार होकर महरू हमसे ऐसी नामुमकिन बात क्यों मन में पर रहम करना? एक नामुमकिन बात है। तो मैं समझ लूं कि आपने मेरी दरख्वास्त ठुकरा दी। बुरा मत मानो, हमारी जगह बैठकर सोचो, सोचो कि तुम हमसे क्या मनवा रही हो और हम उसे क्यों नहीं मानते। उठिए, मैं आपकी जगह बैठकर सोचूंगी। इस जगह में क्या ये खास असर है कि यहाँ बैठकर हर बात उल्टी ही समझ में आए? अब आप मेरी जगह बैठकर वही सब कहिए जो मैं कह रही थी। हमारा सर भी उठाकर अपने कंधों पर रख लो, फिर तुम हमारी तरह सोच भी सकोगी। मेरे सर में खोल नहीं है, दिमाग है। तो हम रहम मांगे? जी मांगिए। हमारे मुंसिफ, एक सांप ने किसी को डस लिया है, सांप पर रहम किया जाए ताकि वो दूसरे किसी को फिर डसे। हम इंसाफ करेंगे, हुक्म है सांप की जिंदगी छीन कर मरने वाले के हवाले कर दी जाए। खूब महरू, तुमने इंसाफ पर चोट की, खूब की। जी हम अधूरा इंसाफ करना नहीं चाहते, ऐसा इंसाफ जो किसी के नुकसान को पूरा ना कर सके, जो एक दीवार के गिरने पर दूसरी दीवार उठा दे, जो एक चिराग के बुझने पर दूसरा चिराग भी बुझा दे। हम समझे, तुम हमसे रहम और इंसाफ पर बहस करना चाहती हो। मैं देखना चाहती हूँ कि रहम के मुकाबले में आप इंसाफ की कितनी अच्छाइयाँ बयान कर सकते हैं। कीजिए बयान। तुम इस बहस में आखिर हमसे हार जाओगी?
मान लो कि इंसाफ ज्यादा जरूरी है। मनवा लीजिए। ओहो, ये गम। समझो कि इंसाफ एक तराजू है, दुनिया की हर बात तोलने के लिए एक बादल जो हर घर पर बरसता हुआ निकले, और रहम तुम्हारा एक प्याला भर पानी। इंसाफ एक रास्ता ठहरा हुआ, रहम एक पगडंडी उलझी हुई जो एक पांव से बने और एक ठोकर से मिट जाए। रहम तुम्हारा वो लाड जो बच्चों को ये सिखाए कि वो शोक बन जाएं, और इंसाफ वो तालीम जो उन्हें ये बताए कि वो कांटों को मुंह में न रखें। और कुछ मलका? और अगर मैं ये कह दूं कि इंसाफ एक अंधे की लाठी है और वो बस इसीलिए घूम रही है कि जो भी उसकी जद में आए चोट खाए बगैर ना रह सके, तो आप क्या जवाब देंगे? संभलो मलका, संभलो। हमारा जादू तुम्हारे ही सर पर चढ़कर बोल उठा। हम भी यही कहना चाहते थे कि इंसाफ के मुंह पर आंखें नहीं होती, वो मुजरिम की गर्दन पकड़ते वक्त उसका चेहरा नहीं देख सकता। फिर हम मंगल को इसलिए क्यों माफ कर दें कि वो संग्राम सिंह जैसे वफादार का बेटा है, या जिसे मलिका नूर जहां की सिफारिश का फख्र हासिल है? क्यों? तो आपने इंसाफ को अंधे की लाठी मान लिया? मान लिया, लेकिन तुम भी जरा उन चोट खाने वालों से ये पूछो कि वो एक अंधे की लाठी के सामने क्यों गए थे, उन्होंने सांप के मुंह में क्यों उंगली डाली थी। तुम भी अगर सांप के मुंह में उंगली डाल दो तो क्या हो? क्या हो? वही हो जो औरों के साथ हो सकता है। तुम ये मत समझो कि तुम मलिका होकर कुदरत के उसूल से बाहर चली गई। यकीन जानो कि इंसाफ कभी खुदा ना खास्ता तुम पर भी हाथ डाल दे तो हमें इंसाफ की जिद पूरी करनी पड़ेगी। हमने कड़वी बात कहती कहनी पड़ी। कड़वी तो नहीं लगी? आपकी बात कभी कड़वी नहीं लगती। जाइए। मुल्ज़िम को जानती हो? नहीं जानती। सरदार संग्राम सिंह, अंदाता, तुम्हारी मौजूदगी का मंशा? फरियादी मुल्ज़िम का नाम दोहराते डरती है जापना। मजलूमा, यकीन जानो तुम इस वक्त कानून के रूह हाजिर हो, और कानून हमसे भी नहीं डरता। मुल्ज़िम कौन है इंसाफ मांगने के लिए तुम्हें यह बताना लाजिम है। मत डरो, तुम हमारे हुजूर फरियाद लाई हो और हम हर सूरत में तुम्हारी फरियाद को पहुंचेंगे। अंदाता, मुल्ज़िम का नाम सुनने से पहले लॉन्ड्री को जान की अमान दो। मजलूमा, हम तुम पर खफा होने नहीं आए हैं, हम जालिम और मजलूम का इंसाफ करने आए हैं। बेदहक होकर जालिम का नाम पुकार दो, ख्वाह जालिम हम ही क्यों ना हो। लो अब कहो तुम्हें किसने सताया है। मलका आलम ने। फरियादी, गोया तुम मलका नूर जहां पर अपने खाविन के कत्ल का इल्जाम धरती हो। नहीं मजलूमा, हम तुम पर खफा नहीं होंगे, हम इस इल्जाम का सबूत चाहते हैं। तुम्हारे पास इल्जाम को साबित करने के लिए सबूत है? है अंदाता। पेश हो। तीर मलका आलम का।
और फैसला? आज फैसला नहीं हो सकेगा। आज दो बराबर की ताकतें उलझ गई हैं। आज इंसाफ की जंजीर में कठिन गुत्थी पड़ गई है। शाह के इंसाफ के लिए आज एक टेढ़ा सवाल आ गया है। इस टेढ़े सवाल का क्या जवाब निकल सकता है, यही तो अब देखना है। दुहाई है मलका आलम की। दुहाई है। इजाजत है। जहां पनाह फरियादी का इंसाफ किए बगैर वापस तशरीफ ले गए हैं। फरियादी अब मलिक मुअज्जमा को पुकार रहे हैं। क्या अर्ज किया तुमने, फिर दोहराओ। जहां पनाह फरियादी का इंसाफ किए बगैर वापस तशरीफ ले गए हैं। फरियादी अब मलिक मुअज्जमा को पुकार रहे हैं। जहां पनाह फरियादी का इंसाफ किए बगैर वापस तशरीफ ले गए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा? बाजप्पा मुरादा होशिया, मलका मुअज्जमा तशरीफ ला रही है। पूछो इससे क्या कहना चाहती है। कहो क्या कहना चाहती हो। मलिका मुअज्जमा सुनना चाहती हैं। मेरी छाती में भी एक तीर चुभो दो, मुझे सर पीटने के लिए मत छोड़ो। मैं रान बनकर नहीं जी सकती, मैं भी तुम्हारा तीर खाने आई हूँ। तुमने मेरी माँ क्यों घिसोट ली, मेरा जीवन तुमने क्यों जीर्ण कर दिया? बताओ ये तुमने क्यों किया, बोलो बोलो मलिका, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरा जमा जमाया मेला तुमने क्यों बेसान दिया? मुझसे किसी का खून हुआ, कैसे हुआ? पूछो, इसकी फरियाद आलम पना के गोश गुजार हुई? तुम्हारी पुकार बादशाह सलामत तक पहुँची? पहुँची। फैसला पूछो, फैसला क्या हुआ? मलका मुअज्जमा फैसला दरिया फरमाती हैं। ऐसा नहीं हुआ। शाही जिंदगी में ये पहला वक्त है कि कानून इंसाफ करते हुए झिझक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने का बाइस मलके मुअज्जमा है, और मलके मुअज्जमा जहांगीर इंसाफ का भाव खूब जानती हैं। उनसे कह दो जहांगीरी इंसाफ का भाव गिरने नहीं पाएगा। मलके मुअज्जमा यकीन दिलाती हैं कि आली जा अपने इंसाफ का भाव नहीं गिराएंगे। मालूम करो जहाँ पना कहाँ तशरीफ फरमा है। सुल्तान को तमाम में ढूंढ फिरी, सुना है कोई फरियाद लाया है? आपने भी सुना? सुन लिया और उसकी फरियाद भी सुन ली।
फरियाद क्या है? फरियाद ये है कि किसी ने कानून की हद से बाहर होकर इंसानियत का खून किया। फैसला फरमाया? यही सोच रहे हैं कि फैसला क्या होना चाहिए। जो होता रहा है वो अब कैसे होगा? अब क्या बात है? ऐसी ही बात है, मलिका नहीं जानती। आप जानते हैं? मलिका नहीं जानती, मलिका जानती है। मलिका किसी के खून से अपने हाथ रंग बैठी है। मलिका अपना जुर्म जानती है। मलिका? सुल्तान, मलिका भला कैसे ना जानती? मलिका ही ने तो कानून की हद से बाहर होकर इंसानियत का खून किया है, और मलिका के लिए भी सुल्तान का वही फैसला होना चाहिए जो कातिल के हक में अब तक होता रहा है। जान के बदले जान ही जहांगीर का इंसाफ है, और इंसाफ की गिरफ्त किसी के लिए भी ढीली नहीं हो सकती। मलिका मुजरिम है, और मुजरिम को अपने हक में फैसला करने का इख्तियार नहीं है। फरियाद हमारे पास लाई गई है, हम ही उसका फैसला करेंगे। लेकिन आज सुल्तान और इंसाफ के बीच में मोहब्बत आ पड़ी है। इंसाफ तक पहुंचने के लिए सुल्तान को मोहब्बत की लाश पर से गुजर जाना चाहिए। मलिका शाही कानून से ज्यादा महंगी नहीं है, और मुझे यकीन है कि सुल्तान उसे महंगा नहीं समझेंगे। कोई शय अपना मोल नहीं समझती। नहीं समझती, लेकिन मोहब्बत का मोल समझने का ये वक्त नहीं है। इंसाफ से मोहब्बत का सौदा न कीजिए सुल्तान, ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। आप जानते हैं कि हुकूमत का कानून आपका सहारा लिए खड़ा है। आपके डगमगा जाने से सारी सल्तनत के कानून की बुनियादें हिल जाएंगी। जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आपसे एक दुनिया के भरोसे की डोर बंधी हुई है, और ये भी कि आपके जरा सा पीछे हटने पर यह डोर टूट जाएगी। आपने इंसाफ के खलियान में अगर चिंगारी डाल दी तो दुनिया भर का इंसाफ जल जाएगा। आग हमारे दिल में भी दहक रही है। इस आग में ना मालूम क्या क्या जलकर रह जाएगा। मैं जानती हूँ मोहब्बत आपको पुकार रही है। मोहब्बत को पुकारने दीजिए, मोहब्बत को दम तोड़ने दीजिए। ये इंसाफ का खून चूसना चाहती है। हम दरिया में गिर गए हैं, और तुम चाहती हो कि हमारा दामन न भीगने पाए। ये कैसे मुमकिन हो? कैसे भी हो, लेकिन ये ना हो कि मोहब्बत के लिए इंसाफ के खिंचाव में झोल आ जाए। ये ना हो कि जहांगीर के अदल की तारीख में ना इंसाफी का वर्ग शामिल हो जाए। लोग ये ना कहने पाए कि जहांगीर का इंसाफ मोहब्बत के बोझ से लचक गया। तुम ये चाहती हो कि तुम्हें, जिसे हम दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज जानते हैं, बेरहम कानून के सुपुर्द कर दें। और आपके ये चाहते हैं कि मैं दुनिया की लानतों के पल्ले पड़ जाऊं। आपके ये चाहते हैं कि रहती दुनिया तक मेरे साथ जिल्लतें लिपट जाए। दुनिया की तारीख के साथ ये भी दोहराया जाया करे कि नूर जहां वो थी जिसने अपनी जिंदगी के लिए अदले जहांगीरी की भेंट ली। दुनिया के होठों पर जब भी मेरा तस्करा आया जिल्लत के साथ आए। दुनिया की जबानें जब भी मेरा नाम लिया करें कांप जाया करें। मैंने जुर्म किया है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा न दीजिए। ये मेरे जुर्म के मुकाबले में बहुत बड़ी सजा है। जहां पना सलामत बाद, बात आदाए आदाब दस्त बस्ता। फरियादी अब तक जहां पना से इंसाफ की लौ लगाए खड़ी है। बादा बा मुलायका होशियार।
मकतूल के कत्ल के लिए हुकूमत की मलिका मुल्ज़िम कही गई हैं, इसलिए इस इल्ज़ाम का फैसला दरबार में सादिर होगा। अवाम को हाजिरी का हुक्म है। हमें अपनी जिम्मेदार शख्सियत से उम्मीद है कि हम अपने कानून में किसी तरह की बदयानती न कर सकें। मलिका हिरासत में ले ली जाए। अपना मलिका हिरासत में ले ली जाए। इरशाद। क्या खबर लाई? रोती है? रोती क्यों है? आज तुम्हारे शहंशाह के इंसाफ ने आबे हयात पी लिया है। चलो शुक्रिया अदा करें। किसके लिए है ये? मलका आलम के लिए है। पलट दो इन खानों को। मलिका आज रात कैदी हैं और उन्हें भी वही खाना मिलेगा जो कैदियों को मिलता है। शुक्र है। Thank you.
आपको याद फरमा रहे हैं। हमें? जी। अच्छा मैरोनिसा, ये कबूतर हमारे लिए रहना, हम अभी आते हैं। हमारे कबूतर और दूसरा, दूसरा क्या हुआ? उड़ गया। उड़ गया कैसे? ऐसे। नेहरू तुम बहुत खूब। साहिब आलम, कनीज का नाम तो मेहरू निशा है। हम मेहरू कहना चाहते हैं, मेहरू नाम हमें पसंद है। साहिब आलम, हम भी तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुनना पसंद करेंगे। चाहो तो तुम भी हमें सलीम कह सकती हो। सुबह हो चुकी? हो चुकी जहां बना। के दरबारे आम के मुनक्किद होने का मंशा बयान किया जाए। आज इस दरबारे आम में दुनिया का एक बहुत बड़ा और पेचीदा मुकदमा पेश हो रहा है। रानी जौजय रामू जात धोबी की तरफ से मुकर्रमा व मखदुमा मलेकाए नूरजहां गाम इकबाल हा पर उसके शौहर रामू धोबी के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। शाही अदालत आज इस मुकदमे का फैसला फरमाएगी। मुद्दैया रानी और मुद्दालेहा मलकाए नूरजहां को अदालत के रूबरू पेश किया जाए।
ملکہ نور جہاں عدالت میں حاضر ہیں۔ رانی۔ ہاں داتا۔ یہ فریاد ہے تمہاری کہ ملکہ نور جہاں نے تیر مار کر تمہارے شوہر کو گھائل کیا اور تمہارے شوہر نے ملکہ کے قصور پر جان دی۔ ہاں داتا۔ اور آج تم اپنے بادشاہ سے انصاف مانگنے کے لیے حاضر ہوئی ہو۔ ہاں داتا۔ ملکہ۔ عالم پناہ۔ عالم پناہ، تمہارے خلاف جو الزام ہے اسے تم نے سنا؟ سنا، سن لیا عالم پناہ۔ یہ اجازت دی جاتی ہے کہ الزام کے خلاف تمہارے پاس اگر کوئی عذر ہو خدمت میں پیش کرو۔ الفاظ؟ نہیں، میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ تمہیں جرم کا اقرار ہے؟ اقرار ہے، مجھے جرم کا اقرار ہے عالم پناہ۔ لہذا تم پر رامو نامی دھوبی کے قتل کا جو الزام لگایا گیا ہے وہ الزام صحیح ثابت ہوا۔ یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ تم مجرمہ ہو، قانون کے لیے لازم ہو چکا کہ وہ اپنے پورے اختیارات کو کام میں لا کر تمہارے لیے سزا تجویز کرے۔ تمہارے لیے تمہاری نسبت قانون نے جو رائے قائم کی ہے، سنو اسے۔ شہنشاہ معظم، بے ادبی کی معافی چاہتے ہوئے غلام خدمت عالی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ جان کا بدلہ جان، یہی انصاف ہے۔ یہ جہانگیری فیصلہ محترمہ و معظمہ ملکہ سلطنت کے لیے جائز نہ فرمایا جائے۔ فریادی اگر آمادہ ہو تو خون کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے، شریعت نے بھی اس دوسرے طریقے کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن ملکہ سلطنت کی خاطر تمہارا عالم پناہ اپنے انصاف کا بھرم کھونا نہیں چاہتا، تمہارا سلطان اپنے ذمہ داری کی آب مارنا نہیں چاہتا، جہانگیر نہیں چاہتا کہ زمانے کے سامنے اپنے قانون کو تلون مزاج ثابت کرے۔ اس میں ماں بدولت کے اصولوں کو دھکا لگتا ہے، اس میں جہانگیری انصاف کی توہین ہوتی ہے۔ غلام کی یہ التجا سارے دربار کی التجا تھی جو نامنظور فرمائی گئی۔ ماں بدولت اس معاملے میں دنیا بھر کی التجاؤں کو بھی نامنظور فرما دینے پر آمادہ ہے، مگر یہ گوارا نہیں فرما سکتے کہ کسی بہانے کا سہارا لے کر اپنے انصاف کو دھوکہ دیں یا اپنی طاقت، اپنی بادشاہت، اپنے اختیارات اور اپنے روب شاہی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر قانون کی بات دوسری طرف موڑ لے جائیں۔ مجرم کے بھیس میں رعایا اور بادشاہ کی ایک ہی جیسی شکلیں ہو جاتی ہیں، پھر قانون کیسے ایک جیسی شکلوں میں کسی کو پہچان سکتا ہے؟ اس لیے ماں بدولت کے انصاف کا علم جھک کر ملکہ کے قدموں کو بوسہ نہیں دے سکتا۔ آئندہ قطع کلامی کی کسی کو ضرورت نہ ہو، ایک تیر و کمان مظلومہ کے حوالے کیا جائے۔ مجرمہ، تم ملکہ تھیں، لیکن ملکہ ہونے کا تمہارے یہ مطلب نہیں تھا کہ تم ایک زندگی کے ساتھ کھیل سکو۔ اپنی تفریح کے لیے تم زندگی جیسی انمول چیز کی پرواہ نہ کرو۔ تم چلو تو زندگیوں کو رگڑتی ہوئی چلو، تم ہنسو تو اوروں کو رلا کر ہنسو۔ قانون کسی کو بھی اس فرونیت کا اختیار نہیں دے سکتا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ انصاف ایک اندھے کی لاٹھی ہے جسے کچھ نہیں سوچتا، لہذا تمہارے حق میں ہمارا انصاف یہی فیصلہ ٹھہراتا ہے کہ جس طرح تم نے ایک عورت کے ساتھ کو خون میں ڈبویا ہے، اسی طرح تمہارے ساتھ کو بھی خون میں ڈبو دیا جائے۔ ماں بدولت اپنے اس فیصلے کے مطابق تمہارے شوہر کو موت کے حوالے کرتے ہیں۔ رانی، جس طرح مرکہ نے تمہارے خاوند کی زندگی پر تیر مارا ہے، اسی طرح تم بھی ملکہ کے شوہر کی زندگی میں تیر چبو۔ شہنشاہ، شہنشاہ، عالم پناہ کو ملکہ عالم نے پکارا۔ رانی، مارو تیر ہمارے سینے میں، خون کا بدلہ خون، یہی جہانگیر کا انصاف ہے۔ اسی انصاف کے بل پر ہمارا خون بہا دو، ہمیں خون میں ڈبو دو، ہمیں ہمارے ہی قانون کے شکنجے میں رکھ کے پیس ڈالو، ہمیں ہمارے ہی انصاف پر قربان کر ڈالو، ہماری ہی لاش ہمارے انصاف کی ٹھوکروں میں ڈال دو،
हमारे इंसाफ को आबे हयात पिला दो। तामील हो तामील हो तामील हो तामील हो तामील हो। रानी अपने सुहाग के उजड़ जाने के बदला दुनिया की तमाम औरतों के सुहागों को उजाड़ कर ले लो, पर मलके मौजमा के सुहाग को मत उजाड़ फेंकना कहीं। एक अपने न्याय के कारण सारे संसार से न्याय की पूंजी को मत छीनो। न्याय ने जो तुम्हें अख्तियार दिया है संसार के कारण उससे हाथ उठा लो, बलिदान कर डालो, दुनिया तुम्हारी एहसानमंद रहेगी। संग्राम सिंह अंदाजा तुम शाही इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाकर गुस्साखी कर रहे हो। क्षमा अंदाजा, लेकिन आलमपनाह की जिंदगी से तमाम रियाया को एक जबरदस्त वास्ता है। शहनशाह अपने लिए नहीं है, रियाया के लिए है, और रियाया को अपने शहनशाह के लिए चिल्लाने का हक है। दोस्तों ये सिर्फ एक ही शख्स की आवाज नहीं है अन्नदाता, इसमें तमाम रियाया की चीखें शामिल है। हमारा अन्नदाता, हमारा अन्नदाता, हमारा अन्नदाता। तुम्हारे पति का खून बहकर रानी बेकार नहीं गया, वो अगर न बहता तो दुनिया ये न समझ सकती कि इंसाफ का सैलाब अगर झोपड़ियां बहा सकता है तो महल भी बहा सकता है। इंसाफ की चक्की में अगर ठीकरे दले जा सकते हैं तो पहाड़ भी दले जा सकते हैं। इंसाफ की दहकी हुई भट्टी में मोम ही नहीं लोहा भी पिघलता है। आज दुनिया ने यह जान लिया है कि न्याय के गड़े हुए कदम एक जमाने से टक्कर लेकर भी नहीं उखड़ सकते। इंसाफ की ठोकरें चाहे तो जमाने को ठुकरा सकती हैं। संग्राम ने भी आज ही यह समझा है। मैंने अपना हक छोड़ दिया। नहीं, तुम अपना हक मत छोड़ो। इसका यह मतलब होगा कि तुमने मलके मौजमा को माफ करके मलके मौजमा पर एहसान किया, और एहसान करने का तुम्हारे ये मतलब होगा कि तुमने मलके मौजमा की निगाहें झुका ली, मलके मौजमा के सर मुबारक को तुमने नीचा कर लिया। ऐसा होना गजब है, ऐसा करना बेअदबी है। मलिका की निगाहें प्रजा में से किसी के सामने भी नहीं झुकेंगी, मलिका का सर प्रजा में से किसी के सामने भी नीचा नहीं होगा। अपनी मलिका पर अपना एहसान मत रखो, ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। खून की कीमत ले लो, ये न्याय है। मुझे मंजूर है। सरदार संग्राम सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी तरफ से आलमपनाह की खिदमत में दरख्वास्त है कि आज की इस खुशी में मुल्क के तमाम कैदियों की रिहाई का हुक्म इनायत फरमाया जाए। मलके आलम की तरफ से आलमपनाह की खिदमत में दरख्वास्त है कि इस खुशी में मुल्क के तमाम कैदियों की रिहाई का हुक्म इनायत फरमाया जाए। हुक्म इनायत है। आज बतारीख 28 रमजान अल मुबारक शाही फरमान जारी हुआ है कि शाही खुशी में मुल्क के तमाम कैदियों की सजाएं माफ फरमाई गई। जग भर को खुशियाँ बांटती। मलके आलम भी अच्छी मलिका है, रानी धोबन भी अच्छी धोबन है, और रामू धोबन तो सबसे अच्छा धोबी था बेचारा।
तुम्हारे बादशाह और तुम्हारी मलिका की दुआएं तुम्हारे साथ हैं।